आमिना के लाल मदीना बुलाइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई सलमान रजा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रजा ऑफिशियल। तो अभी बने रहे, वीडियो को छोड़ के न जाना क्योंकि पहले पूरी बात सुन के जाना, ठीक है। शहाब भाई इंडिया में है या पाकिस्तान में, ये बड़ी अहम बात है। कुछ लोगों ने इस तरीके से फेक न्यूज़ फैलाई है जिस वजह से शहाब भाई ने 14 दिनों से पिछले अपने चैनल पर कोई भी अपडेट नहीं दिए। और वो पता क्यों नहीं दिए उन्होंने, अंदाज़ा लगाया गया है कि इसलिए अपडेट नहीं दी है उन्होंने कि जब वो पाकिस्तान में एंट्री कर लेंगे, पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे, तभी वो अपने सोशल अकाउंट पर अपडेट देंगे इस बात की कि हाँ अब हम अपना सफ़र आगे को रवा दवा कर रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों देखिए, मैं आपसे बता दूं, मैं रोज़ाना आपको कलाम भी सुनाता हूँ। अभी आपने शुरू में एक शेर सुन लिया होगा कि ए आमना के लाल मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबद खजरा दिखाइए। अभी इस कलाम को मैं इंशाल्लाह पढ़ने वाला हूँ, पूरा सुन के जाना है। उससे पहले मैंने कल सवाल भी पूछा था कि कुरान शरीफ में कौन से फल का जिक्र आया है, तो उसका जवाब आपको आपने बहुत अच्छे अंदाज में दिया माशाल्लाह, और अब मैं उसका जवाब आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले शहाब भाई के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए शहाब भाई का मसला क्या है, शहाब भाई अपने चैनल पर क्यों अपडेट नहीं दे रहे, इसीलिए नहीं दे रहे मेरे अजीजों के कुछ लोगों ने पहले ही पाकिस्तान में मौजूद हैं, शहाब भाई पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और अभी तक कोई भी यूट्यूबर जिस तरीके से वो अपने मतलब जिन सबको नहीं कह रहा, मैं उनको कह रहा हूं, जो यूट्यूबर गलत तरीके से अपने चैनलों पर न्यूज दे रहे हैं, तो उनमें से कोई भी यूट्यूबर इस तरीके से सच्चाई नहीं बयान कर सकता। वो ये भी नहीं बता सकता कि शहाब भाई अभी कहां पर है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ फेक न्यूज से मतलब, उन्हें सिर्फ गलत न्यूज चलाने से मतलब है। मेरे अजीजों मैं तो फिर भी कह रहा हूं, उनके लिए दुआ कर रहा हूं, आप लोग भी दुआ करेगा अल्लाह उन्हें हिदायत दे। तो देखिए मेरे अजीजों, सिर्फ मतलब इतना है कहने का कि शहाब भाई अभी पाकिस्तान में नहीं है, वो इंडिया में ही है। कोई भाई अगर पंजाब में रहते हो, कोई भी मेरा भाई मेरा अजीज अगर पंजाब में रहते हो, पंजाब के पंजाब स्टेट के किसी भी हिस्से में रहते हो आप, तो आप जा सकते हैं। आफिया किड्स स्कूल है जिला अमृतसर में पंजाब के, और बाघा बॉर्डर से 12 किलोमीटर पहले नेशनल हाईवे पर यह स्कूल है, आफिया किड्स स्कूल, खासा गाँव है। अभी जाकर शहाब भाई साहब मिल भी सकते हैं, क्योंकि शहाब भाई अभी वहीं पर रुके हुए हैं, अभी शहाब भाई कहीं नहीं गए हैं। जैसे ही शहाब भाई निकलेंगे पाकिस्तान में एंट्री करेंगे, 12 किलोमीटर वहाँ से पाकिस्तान है, तो अभी सबको पता चलेगा जब वो निकलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन यार बस क्या कहें कि ये लोग जो फेक न्यूज देते हैं कि बस अल्लाह हिदायत दे दे परवरदिगार। चलिए मैं इस बात को यहीं रोकता हूं, आपको बताता हूं कि शहाब भाई से रिलेटेड जो मैंने बताया है यही सच है कि अभी शहाब भाई इंडिया में ही है, पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि शहाब भाई के जो बड़े करीबी करीबी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू होती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ मेरे अजीजों। तो आप लोग बेफिक्र रहें, जैसे ही शहाब भाई निकलेंगे बता दिया जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपका दिल अगर करे तो मेरे चैनल आपको सही लगता हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, आपको आने वाली सब अपडेट मिलेगी। फिलहाल आपको नॉलेज इस्लाम से रिलेटेड आपकी बढ़ रही है, आपकी इस्लाह हो रही है, और दूसरी बात आपको नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी सुनने के लिए मिल रही मेरे अजीजों। तो चलिए मैं आपको कलाम भी सुना रहा हूँ, उससे पहले मैं बता दूँ, मैंने कल आपसे सवाल किया था कि कुरान शरीफ में किस फल का जिक्र है। बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारी बहनों ने बहुत अच्छा जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान शरीफ में अंगूर का जिक्र है। बहुत सारे भाइयों ने जैतून और अंजीर, बहुत सारे फलों के नाम लिखे अलग अलग तरीके से, तो अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आपके अंदर जज्बा है, आपने कमेंट तो की, आपने बताया तो सही, लेकिन कुरान शरीफ में जो है इसका सही जवाब है कि अंगूर का जिक्र है मेरे अजीजों। अब मैं आपको बता दूं, तो मेरा ये कल का सवाल था, कल 6 जनवरी में मैंने आपसे सवाल पूछा था, आज 7 जनवरी है और शहाब भाई के सफर को तकरीबन 219 दिन आज हो गए हैं, 219 दिन कंटिन्यू उनको घर से निकले हुए। तो मेरे अजीजों उनके लिए दुआ करें, और जो भी मक्का मदीना जाने के लिए तड़प रहे यार उनके लिए भी दुआ करें। मैंने सवाल आपसे यही पूछा था कि कुरान शरीफ में कौन से फल का जिक्र है, आपने बताया, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया। तो आज का जो सवाल है ये भी बड़ा है, मैं सुन के जाए, वीडियो को अभी स्किप ना करें, अभी आपको कलाम भी सुनना है, नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुनिए। आज का सवाल ये है कि जब तुम जनाजे में जाते हो, किसी के इंतकाल हो जाता है, तो उस वक्त जब मैयत को हम कब्र में उतारते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों कि हम जाते हैं जनाजे की नमाज़ कभी आप छोड़ना नहीं। एक तो ये कि जनाजे की नमाज़ अगर आपने पढ़ ली ना, अगर मैयत गुनाहगार है और आप में से 40 से 50 या 100 जितने भी बंदे जमात में खड़े हैं जनाजे की नमाज़ में खड़े हैं, अगर आप में से कोई एक भी नेक है तो मैयत की मगफ़िरत हो रही है, और मैयत नेक है और अब सारे गुनाहगार हैं ना सारे भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मैयत के सदक़े में, उसकी नेकी के सदक़े में जो वो नेक है तो आप सबकी मगफ़िरत हो जाएगी। तो आप जनाजे की नमाज़ कभी भी किसी हाल में छोड़े नहीं, अगर आप साफ़ सुथरे, पहले बात तो जनाजे में जाएंगे तो साफ़ सुथरे ही जाएंगे मेरे अज़ीज़ों, तो आप जो है जनाजे की नमाज़ कभी नहीं छोड़ें, ठीक है। दूसरी बात जो मेरा सवाल है वो ये है कि जब मैयत को हम कब्र में उतारते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए मेरे अज़ीज़ों, कि आप जब उसको उस दुआ को पढ़ेंगे ना तो इससे जो है आपको भी बरकतें मिलेंगी, मैयत को भी बरकतें मिलेंगी। तो आपको ये दुआ पता होनी चाहिए कि मैयत को कब्र में उतारते वक्त हम क्या पढ़ते हैं। कल को 8 जनवरी है,
इंशाल्लाह मैं इसका जवाब कल को दूंगा। सुबह को 10 बजे रोजाना मेरी वीडियो आ जाती है, जो भाई मुझे रोज लगातार देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, वो सब जानते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो भाई पहली बार अगर देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दो, आप मुझसे जुड़ जाएंगे, आपको सारे इस्लामिक सवाल जवाब, सिया भाई की अपडेट और अच्छे अच्छे कलाम। अभी आप कलाम सुनेंगे ना ये वाला तो मचल जाएंगे। आप नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस नियत से सुने, अरे यार मैं क्या बताऊँ आपसे, अगर नाते नबी दिल से सुन ली ना आपने तो ये भी एक मगफिरत का जरिया बन जाएगी आपके लिए इंशाल्लाह। दूसरी बात ये है, मगफिरत के जरिए के लिए आपको क्या करना है यार, देखिए माँ बाप की इज्जत कर ली, नमाज 5 टाइम की पढ़े। मैं आपको नमाज की दावत फिर देता हूँ, हर वीडियो में नमाज की दावत देता हूँ। आप माँ बाप की इज्जत इस तरीके से कर लें, इस तरीके से माँ बाप के फरमा बरदार बन जाइए कि आपकी तरफ से कभी आपके माँ बाप का दिल नहीं दुखना चाहिए। और माँ बाप तो बहुत बड़ी बात है मेरे अजीजों, आपसे किसी का भी दिल नहीं दुखना चाहिए, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए आपकी जात से। तो ऐसे बन जाइए किसी का दिल ना दुखे, माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप से प्यार करें, और दूसरी बात नमाजी बन जाइए, सच्चे बन जाइए, अच्छे बन जाइए। आपके रिस्क में, आपकी रोजी रोटी में, आपके घर परिवार में इंशाल्लाह हर चीज में बरकत मिलेगी आपको, मैं दावे से कहता हूँ। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो मेरे अजीजों आज से ही नमाज शुरू कर दें। अब इस कलाम को जरूर सुन के जाएं, वीडियो को अभी छोड़ के ना जाएं, कलाम पूरा सुन के जाएं। नबी की नात शरीफ है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं मेरे अजीजों, ना मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात है। तो चलिए मैं आपको नात सुनाता हूँ, और नात शरीफ सुनने के बाद में आप लोग मेरे लिए दुआ भी करें, शाह भाई के लिए दुआ करें, बिलखसूस उनके लिए ज़रूर दुआ करें यार, जो गुरबत में है, मक्का मदीना जाने के लिए तड़प रहे हैं, मालो जर नहीं है, जा ना सकते हैं, मालो जर की वजह से जा नहीं सकते, उनके लिए भी यार दुआ करें। आका अपने हबीब के सदक़े में परवरदिगार उनको मक्का मदीना दिखा दे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मक्का मदीना बुला लें। तो चलिए मेरे अज़ीज़ों कलाम सुनते हैं। ए आमिना के लाल मदीना बुलाइए, ए आमिना के लाल मदीना बुलाइए, हम मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए, ए आमिना के लाल मदीना बुलाइए, ए आमिना के लाल मदीना बुलाइए, मरने से पहले आप, मरने से पहले गुंबद खज़रा दिखाइए, मरने से पहले गुंबद खज़रा दिखाइए, हाँ खज़रा दिखाइए, गुंबद खज़रा दिखाइए, सुने सुने आंखें तरस रही है ज़ियारत के वास्ते, आंखें तरस रही रही है ज़ियारत के वास्ते, एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए, एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, ए आमिना के लाल मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए, हसरत है मेरे दिल में के मदीने जाऊंगा, हसरत है मेरे दिल
को जाऊंगा, मुझको हुजूर जल्दी से तैबा बुलाइए, मुझको हुजूर जल्दी से तैबा बुलाइए, लाल मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबद खजरा दिखाइए, गुंबद खजरा दिखाइए, और नात नबी है पढ़ना हसन की सुन्नत, नात नबी है पढ़ना हसन की सुन्नत, तो तुम सारी उम्र नात नबी गुन गुनाइए, उम्र नात नबी गुन गुनाइए, हाँ तुम गुन गुनाइए, ऐ आमिना के लाल मदीना बुलाइए, ऐ आमिना के लाल मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए, ऐ आमिना के लाल मदीना बुलाइए, ऐ आमिना के गुंबद खजरा दिखाइए, मरने से पहले गुंबद खजरा दिखाइए, गुंबद खजरा दिखाइए। तो मेरे अजीजों कैसा लगा आपको ये कलाम, मरने से पहले गुंबद खजरा दिखाइए, आका गुंबद खजरा दिखाइए। तो कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कलाम के बारे में, चाहे एक बार को लिखे ना लिखे, लेकिन जवाब के बारे में ज़रूर आपको लिखना है, पता हो जब भी लिखना है, नहीं पता हो तब भी आपको लिखना है कि भाई हमें नहीं पता था। तो भाई सवाल ये था मेरा कि जब हम कब्र में मैयत को उतारते हैं तो मैयत को कब्र में उतारते वक्त हमें क्या पढ़ना चाहिए, जितने लोग आसपास खड़े होते हैं उनको और उतारने वालों को सबको क्या पढ़ना चाहिए, उसकी क्या बरकतें हैं। चलिए बरकत इंशाल्लाह कल को 8 जनवरी है, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, आज 7 जनवरी है और कल तक देखते हैं शाह भाई का सफर शुरू होता है या नहीं होता है। इंशाल्लाह दुआ करें कि सफर शुरू हो जाए और सभी जो इस्लामी भाई तड़प रहे हैं यार उनके उनके सफर को लेकर के, ये सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला उस बंदे का सफर पूरा करवा दे, तो उनकी दुआएं कबूल हो जाए, अल्लाह के अल्लाह से दुआ करें। तो आप लोगों को ये बताना है कल को इंशाल्लाह 8 जनवरी में मैं आपको जवाब दूंगा इसका, लेकिन कल तक मैं आपकी कमेंट पढ़ूंगा कि किसने क्या जवाब दिया, किस भाई ने क्या लिखा, किस बहन ने क्या लिखा कमेंट में, तो मैं देखना चाहूंगा इंशाल्लाह ताला। सवाल था कि मैयत को कब्र में उतारते वक्त हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, इसका जवाब देना है इंशाल्लाह ताला। सबके लिए दुआ करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, नमाजी बन जाइए, अच्छे बन जाइए, सच्चे बन जाइए, किसी का भी दिल ना दुखाएं, आपके रोजी रोटी में बरकत होगी इंशाल्लाह ताला। आप आजमा के देखें इस बात को, नमाज शुरू कर दें और किसी का दिल ना दुखाएं, आजजी अपने अंदर अपना हुस्न अखलाक अच्छा कर लें मेरे अजीज़। जो भाई मुझे रोजाना सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दिल से शुक्र, लेकिन जो भाई अगर पहली बार आए हो, जो बहन या भाई, तो आप सब्सक्राइब जरूर करके जाए और बेल आइकन का बटन दबा दें, आपको सारे कलाम मिलते रहेंगे, सिया भाई की अपडेट मिलती रहेगी, अच्छे अच्छे सवाल जवाब इस्लामिक जो आपसे मैं करता हूँ वो आपको मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मुझसे जुड़ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप भी खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपको शादोबाद रखे। तो मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे, अपना ख्याल रखें।